जय हिंद प्यारे साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की भर्ती के बारे में। और आप सभी को बता दें कि सीआरपीएफ की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें आपकी पदों की संख्या के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, जो कि इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लियर करने वाला हूं और पूरी जानकारी देने वाला हूं कि क्या बदलाव हुए हैं, और रिजल्ट के बारे में भी बात करने वाले हैं कि कब तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। अगर आपने टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन का एग्जामिनेशन दिया है तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। तो आप सभी को बता दें कि पहले ही सीआरपीएफ की तरफ से काफी सारे कॉरिजेंडम जारी किए जा चुके हैं जिसमें लगातार वैकेंसी की संख्या आपको घटती हुई नजर आएगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो 24/8/2023 का एक और ये नोटिस है जो कि डीआईजी रिक्रूटमेंट की तरफ से जारी किया है। अगर आप ये देखेंगे तो सीआरपीएफ की तरफ से एक कॉरिजेंडम यहाँ पे जारी हुआ है। रेफरेंस देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट डेटेड 15/3/2023 फॉर द रिक्रूटमेंट कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन इन सीआरपीएफ पब्लिश इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज डेटेड 25/31/2023। तो यहाँ पे दे रखा है, साथ ही में कुछ रेफरेंस नंबर आप सभी को बताए हुए हैं कि एडवर्टाइजमेंट नंबर वगैरह क्या है। साथ ही में यहाँ पे देखेंगे द फॉलोइंग अमेंडमेंट इन द वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल टेलर मेल इज इश्यूड ड्यू टू फर्स्ट कैडर रिव्यू ऑफ ग्रुप सी ट्रेड्समैन कैडर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपकी पोस्ट थी कांस्टेबल टेलर की मेल कैंडिडेट के लिए, उसकी जो संख्या थी पहले थी 242, लेकिन अभी ये जो नोटिस जारी हुआ है इस नोटिस के अकॉर्डिंग आप सभी को बता दें कि अब जो कुल संख्या रह गई है वो कितनी रह गई है, 118। यानी कि यहाँ पे वैकेंसी को दोबारा से घटा दिया गया है, आपकी 124 वैकेंसी यहाँ पे फिर से कम हो गई है। और अभी आपकी जो टेलर की वैकेंसी है वो कुल 118 है। तो हो सकता है कि इसके लिए आपको एक डिटेल वैकेंसी का जो पीडीएफ है वो एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि हो सकता है कि काफी सारे स्टेट में वैकेंसी आपकी जीरो हो गई हो, तो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग और अपने स्टेट के अकॉर्डिंग चेक कर लेना। साथ ही में यहाँ पे देखेंगे पॉइंट नंबर 2 पे दे रखा है कि वैकेंसीज ऑफ अदर पोस्ट विल बी रिमेन अनचेंज, यानी कि उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। नंबर 3 पे दे रखा था डिटेल ऑफ स्टेट वाइज रिवाइज वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल टेलर मेल इज अवेलेबल ऑन द सीआरपीएफ वेबसाइट। एंड नंबर 4 पे दे रखा है ऑल अदर डिटेल इन द एडवर्टाइजमेंट डेटेड 15/3/2023 एज वेल एज कॉरिजेंडम डेटेड 17/4/2023 विल बी रिमेन अनचेंज। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो आपकी स्टेट वाइज वैकेंसी है टेलर कांस्टेबल की, वो आप सीआरपीएफ की वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हैं। बाकी का कोई चेंजेस यहाँ पे किसी भी वैकेंसी में नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपने टेलर की वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है तो टेलर की वैकेंसी चेंज हो गई है तो अपने स्टेट में जाके जरूर से आप चेक कर लीजिए कि आपके स्टेट में वैकेंसी कहीं जीरो तो नहीं है आपकी अपनी कैटेगरी में। तो ये आपके लिए जरूरी था। बाकी का फिर जो बात आती है वो आती है रिजल्ट के बारे में। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट सबसे पहले यही पूछना चाहेंगे कि इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आउट हो सकता है, रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है। तो देखिए रिजल्ट के बारे में बात करें तो इससे पहले भी आप सभी को पता होगा कि सीआरपीएफ एचसीएम की भर्ती जिसका रिजल्ट काफी पहले जारी हो जाना चाहिए था, जिसका एग्जामिनेशन बहुत पहले हो चुका है और सभी इसका रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट काफी पहले आना था लेकिन अभी तक इसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, और जब तक इसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा उम्मीद नहीं है कि आपका यहाँ पे ट्रेड्समैन का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, क्योंकि पहले इसी भर्ती को टॉप प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। तो निश्चित तौर पे पहले आपका एचसीएम का रिजल्ट आएगा, यानी कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाली भर्ती का, और जब आपका एचसीएम का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो इसके बाद नंबर आएगा आपका ट्रेड्समैन का। अगर मैं बात करूं यहाँ पे रीजन की और कब तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है, तो देखिए आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो एसएससी जीडी है, एसएससी जीडी भर्ती का सीआरपीएफ नोडल एजेंसी थी, यानी कि रिजल्ट डिक्लेयर हो जाने के बाद सीबीटी के बाद पूरी जिम्मेदारी सीआरपीएफ की थी, जिसमें फिजिकल मेडिकल और फाइनल रिजल्ट ये और फोर्स एलोकेशन ये पूरा काम सीआरपीएफ के जिम्मे दिया गया था और सीआरपीएफ को ही कंप्लीट करना था, जिसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है और 28 अगस्त को कुछ बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर भी मिल चुके हैं और मैक्सिमम बच्चों के जो ज्वाइनिंग लेटर हैं वो इश्यू हो चुके हैं। अब ऐसे में क्या है कि सीआरपीएफ यहाँ पे थोड़ा सा फ्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एचएससीएम वाले बच्चों का फिजिकल होना है सेकेंड फेज में, और ये फिजिकल के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं उसी के लिए बच्चों को क्वालिफाई कर देते हैं। तो निश्चित तौर पर ये सीआरपीएफ को अपने सेंटर्स पे करवाना है, और एजेंसी वही रिक्रूटमेंट सेल तो एक ही है सीआरपीएफ का, ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग काम चलेगा, मेन हेडक्वार्टर एक है वहीं से सारा काम चलता है। तो पहले इनका जो टॉप प्रायोरिटी थी वो थी एसएससी जीडी वाली भर्ती, क्योंकि ये मिशन मोड में शामिल हो गई थी और रोजगार मेला की वजह से जल्द इस भर्ती को कंप्लीट किया जाना था, जो कि अब कंप्लीट हो चुकी है।
तो अब उम्मीद ये है कि यहाँ पे आपका सेप्टेम्बर, मिड सेप्टेम्बर तक जो आपका रिजल्ट होगा सीआरपीएफ एचसीएम का जारी हो जाएगा, और सीआरपीएफ का रिजल्ट जारी हो जाने के बाद लगभग आप ये मान के चलिएगा कि हो सकता है कि वन मंथ यहाँ पे लगभग ले सकता है, अक्टूबर के फर्स्ट एंड सेकेंड वीक के अप्रोक्स आपको ट्रेड्समैन का रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि पहले ये सीआरपीएफ वाले एचसीएम वाले बच्चों का फिजिकल होगा, और फिजिकल हो जाने के बाद इसमें बहुत ही कम बच्चे बचेंगे टाइपिंग के लिए, तो वहां पे क्या है थोड़ा सा प्रोसेस श्रिंक हो जाएगा, तो थोड़ा जब कम हो जाएगा लोड, तो इसके बाद क्या है कि ट्रेड्समैन का भी फिर आप सभी को पता है पीएससी एंड पीईटी वगैरह कंडक्ट होगा रिजल्ट के बाद, तो वो सारा जो प्रोसेस रहेगा वो काफी स्लो हो जाएगा, और क्या है कि उसमें आराम से सीआरपीएफ इसे कंडक्ट करा पाएगा। तो पहले टॉप प्रायोरिटी ये है, तो आप ये माने कि यहाँ पे जो आपका ट्रेड्समैन का रिजल्ट है वो रिजल्ट लगभग आपका अक्टूबर के सेकेंड वीक के अप्रोक्स आपको देखने के लिए मिलेगा, इससे पहले हो सकता है जारी हो जाए, लेकिन फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि आंसर की आप चेक कर चुके हैं, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी करते रहिए, अच्छा खासा फिजिकल होने वाला है, तो फिजिकल आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फेज यहाँ पे रहने वाला है, तो जितनी हो सके फिजिकल की अपनी तैयारी कंप्लीट रखो, क्योंकि देखो रिजल्ट आने के बाद अगर आप फिजिकल की सोचोगे तो बहुत देरी हो जाएगी, तो नौकरी तो लेनी है, और नौकरी लेनी है अच्छी खासी वैकेंसी है, तो पहले से तैयारी करके रखोगे वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी पूरी तरह से आप सभी को क्लियर हो गई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले जॉब अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत। जल्द इस भर्ती को कंप्लीट किया जाना था जो कि अब कंप्लीट हो चुकी है, तो अब उम्मीद ये है कि यहाँ पे आपका सेप्टेम्बर, मिड सेप्टेम्बर तक जो आपका रिजल्ट होगा सीआरपीएफ एचसीएम का जारी हो जाएगा, और सीआरपीएफ का रिजल्ट जारी हो जाने के बाद लगभग आप ये मान के चलिएगा कि हो सकता है कि वन मंथ यहाँ पे लगभग ले सकता है, अक्टूबर के फर्स्ट एंड सेकेंड वीक के अप्रोक्स आपको ट्रेड्समैन का रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि पहले ये सीआरपीएफ वाले एचसीएम वाले बच्चों का फिजिकल होगा, और फिजिकल हो जाने के बाद इसमें बहुत ही कम बच्चे बचेंगे टाइपिंग के लिए, तो वहां पे क्या है थोड़ा सा प्रोसेस श्रिंक हो जाएगा, तो थोड़ा जब कम हो जाएगा लोड, तो इसके बाद क्या है कि ट्रेड्समैन का भी फिर आप सभी को पता है पीएससी एंड पीईटी वगैरह कंडक्ट होगा रिजल्ट के बाद, तो वो सारा जो प्रोसेस रहेगा वो काफी स्लो हो जाएगा, और क्या है कि उसमें आराम से सीआरपीएफ इसे कंडक्ट करा पाएगा। तो पहले टॉप प्रायोरिटी ये है, तो आप ये माने कि यहाँ पे जो आपका ट्रेड्समैन का रिजल्ट है वो रिजल्ट लगभग आपका अक्टूबर के सेकेंड वीक के अप्रोक्स आपको देखने के लिए मिलेगा, इससे पहले हो सकता है जारी हो जाए, लेकिन फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि आंसर की आप चेक कर चुके हैं, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी करते रहिए, अच्छा खासा फिजिकल होने वाला है, तो फिजिकल आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फेज यहाँ पे रहने वाला है, तो जितनी हो सके फिजिकल की अपनी तैयारी कंप्लीट रखो, क्योंकि देखो रिजल्ट आने के बाद अगर आप फिजिकल की सोचोगे तो बहुत देरी हो जाए।